इजिप्ट की जो सल्तनत है ममलूकिया थी 14वीं और 15वीं सदी के अंदर, इसके बारे में तो हमने सुना ही है, पढ़ा भी है तारीख में। फिर एक ऑटोमन एम्पायर थी तुर्कों की, उसके बारे में भी सबको पता है, खिलाफत उस्मानिया के नाम से जो जानी जाती है। अच्छा, अभी मैंने जो बात करनी है इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कि जो ऑटोमन एम्पायर थी उसने इजिप्ट की जो मैमलुक एम्पायर थी उसको कैसे ख़त्म किया, उसका जो उसके इलाकों को अपने अंदर कैसे जम किया। बाय द वे, आज भी आपको पता है कि तुर्की की और मिस्र के आपस के हालात जो है वो इतने बेहतर नहीं है। यानी लीबिया के अंदर अगर हम देखें तो दो पैरेलल गवर्नमेंट है, लीबिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, दो पैरेलल गवर्नमेंट्स है। एक गवर्नमेंट को मिस्र सपोर्ट करते हैं और एक गवर्नमेंट को तुर्की सपोर्ट करते हैं। एनी हाउ, कमिंग बैक टू हिस्टोरिकल पॉइंट, हुआ कुछ इस तरह से कि 15वीं जो सदी है उसके आप कह लें कि जो आखिरी दो दहाइयाँ और 16वीं सदी की शुरू की दो दहाइयाँ, ओटोमन का एक सुल्तान था, उसका नाम था सुल्तान सलीम अव्वल, ये सुल्तान सुलेमान का बाप है। इसने जो है वो मिस्र की मम्लूक एम्पायर का जो है वो तख्ता उल्टा था। अब कहानी कुछ इस तरह से है, सिंपली ब्रीफली, जो मेन रीज़न, जो मेन कॉज बनी मम्लूक एम्पायर के गिरने का, वो ये था कि मम्लूक एम्पायर ट्रेड करती थी स्पाइसेस और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से अरेबियन ओशन के ज़रिए, यानी जो समंदर इंडिया के वेस्ट को यानी जो बॉम्बे साइड है वहाँ पे लगता है, पाकिस्तान को जो लगता है समंदर, इसको अरेबियन ओशन कहते हैं, यहाँ से ट्रेड होता था। यहाँ पे आगे पुर्तगाली जो थे वो, उन्होंने जब यहाँ पे वो आए, उन्होंने जब यहाँ के ट्रेड रूट्स डिस्कवर किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी यहाँ की ट्रेड से अपनी इनकम जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे तो मिस्री ट्रेड कर रहे थे, मेमलुक ट्रेड कर रहे थे इजिप्ट के, अब इन दोनों में क्लैश हो गया और क्लैश की बहुत लंबी जो कहानी है उसका नतीजा ये निकला कि हावी रहे पुर्तगाली और मिस्र को यानी मेमलुक सल्तनत को बड़ा नुकसान हुआ अपनी ट्रेड इनकम में, उनकी ट्रेड इनकम अच्छी खासी ड्रॉप होगी। जब उनकी ट्रेड इनकम ड्रॉप हुई तो उन्होंने क्या किया कि जो सीरिया और फलस्तीन के जो इलाके थे इनमें जो इलीट थी, जो नबिलिटी थी, एरिस्टोक्रेसी थी, उसके ऊपर टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए। जब उनके ऊपर टैक्स बढ़ाए तो ये वो दरवाज़ा था यहाँ से खुला ऑटोमन तुर्क के लिए। अब उस्मानियों ने क्या किया, उन्होंने जो नबिलिटी थी सीरिया के अंदर जो इलीट थी उसको अपनी तरफ किया कि ये मिस्री तो तुम्हारे पर बहुत टैक्स लगा रही है जो मेमलुक्स हैं, तो हम तो ये चीज़ें हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हें ज़्यादा प्रिविलेजेस देंगे। तो सुल्तान सलीम ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको यूज़ किया और जो मिस्री जो थे उनके खिलाफ बगावत होगी सीरिया और फलस्तीन में, अब टैक्स की इनकम भी आधी होगी और साथ ही जो सीरिया और फलस्तीन से आने वाली जो इनकम थी वो भी आधी होगी और ट्रेड की इनकम भी आधी होगी। तो जब इकॉनमी ही नहीं स्ट्रॉन्ग रही तो आप कैसे होता मैंने एम्पायर को फेस करेंगे। इस वजह से फिर जो सुल्तान सलीम अव्वल था उसने पहले शाम पे कब्जा किया, फिर फलस्तीन में फिर एक जंग हुई और उस जंग में जो उस वक्त जो मम्लूकिया का सुल्तान था वो मारा गया, सुल्तान सलीम मिस्र के कैपिटल यानी काहिरा में दाखिल हो गया, यूँ मम्लूक एम्पायर का खात्मा हो गया। ये वही सुल्तान सलीम है जिसने बाबर की भी मदद की थी मुगलिया सल्तनत इस्टेब्लिश करने में इंडिया में। बाबर जो था उसका पहले तो उसके सुल्तान सलीम अव्वल से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि सुल्तान सलीम ने एक उबैदुल्ला खान एक उस्बक जो मंगोल था उसको सपोर्ट किया था, उसको असलाह दिया था, तोहफे दी थी कि वो ईरानियों के साथ यानी जो सफेद एम्पायर थी ईरान की उसके साथ वो लड़े, क्योंकि सुल्तान सलीम के मिस्र से भी ताल्लुकात जो थे वो ठीक थे, मिस्र को भी वो अपने कब्जे में करना चाहता था और साथ ही ईरान को भी, ईरान पे सफवी खानदान की हुकूमत थी, तो सफवी खानदान से लड़ने के लिए सुल्तान सलीम अव्वल ने उबैदुल्ला खान जो उज़्बेकिस्तान में था, उज़्बेक था, मंगोल था, उसको असलाह दिया, उसने वो असलाह बाबर के अगेंस्ट यूज़ कर लिया। बाबर इससे नाराज़ हो गया, सुल्तान सलीम ने फिर बाबर को कहा कि तुम मुझे अपना खलीफा कबूल कर लो, अपना एक ओवर लॉर्ड एक्सेप्ट कर लो। बाबर ने इससे भी डिनाई कर दिया, लेकिन एनी हाउ जब उबैदुल्ला खान को शिकस्त होगी सफवियों के हाथों तो सुल्तान सलीम ने फिर बाबर के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए और बाबर को तोहफे भेजी मैमलुक के दो फेमस बंदे, उसमें एक था अली कुली खान और एक था मुस्तफ़ा रूमी, इन दोनों को भेजा और इन दोनों ने जो है वो बाबर की मदद की और फिर ऑटोमन एम्पायर सुल्तान सलीम की जो मदद थी उसकी बैग से मतलब सारी तो उसकी उसने थोड़ी बहुत मदद की, ऑब्वियसली बाबर की अपनी कंट्रीब्यूशन भी थी और कुछ इंडिया के हालात भी ऐसे थे, लोधी एम्पायर गिर रही थी तो बाबर ने इंडिया में अपनी सल्तनत मुगल एम्पायर कायम की। अब आप देखें कि एक बंदा है सुल्तान सलीम जो है वो कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर रहा है।
अरेबियन सी के अंदर पुर्तगालियों और ममलूकियों मिस्री ममलूकियों के जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हुई उससे उसने फ़ायदा उठाते हुए सीरिया को कैश किया, फ़लस्तीन को कैश किया और इवेंचुअली खुद मिस्र भी कैश कर लिया उसने। और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी पैदा हुई थी सफ़वीज और उज़्बकों के इख्तलाफ से, और जो उसमें जो मुगल्स थे बाबर उनकी जो आपस की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको यूज़ करते हुए उसने सफ़ेद एम्पायर को तो नुकसान पहुँचाया ही जो भी पहुँचाना था उसने, लेकिन उसने साथ दूसरे तुर्क डायनेस्टी यानी जो मुग़ल थे वो तुर्क थे बेसिकली उसको भी मौका दिया था। एक तरह से तुर्कों का इकतदार जो है वो फैलता जो है ना वो नज़र आ रहा था। गो के वैसे जो ममलूक थे ना मिस्र के वो भी तुर्की थे, रसूल के लिहाज से वो भी तुर्क थे, और जो ऑब्वियसली जो ओटोमन ने वो थे ही तुर्क, और बाबर जो मुग़ल जो थे ये भी सारे तुर्क थे। तो ये बेसिकली एक छोटी सी एक शॉर्ट सी वीडियो है और इसमें जो पॉइंट है वो बेसिकली यही है कि किसी एक जगह पर भी होने वाली पॉलिटिकल सिचुएशन जो किसी एक जगह पर भी हालात चेंज होते हैं तो उसके बड़े दूर से इम्पेक्ट होते हैं। पुर्तगालियों को नहीं पता था कि उनकी इस हरकत से जो उन्होंने मिस्रियों के साथ छेड़खानी की है उसकी वजह से होता मैंने पाया जो फ़ायदा उठाएगी कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।